ये कृषि का टुकड़े टुकड़े नष्ट। टुकड़े 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 जमा करके अपने इंडिया बना रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत होती तो अपने बुलबतियों पर चुनाव लड़ते। 400 पार, ये 400 पार का नारा जो आप दे रहे हो ना, ये टुकड़े टुकड़े एक साथ कर कर दे रहे हो, उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो, ये तोड़बाज पार्टी है। हाँ, ये सब तोड़ तोड़ कर पार्टी बना रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं। जरा उनको बोलिए अपना। कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में 6 तारीख को हम एक साथ बैठ रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी भी शामिल हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में। और जो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने, लोकतंत्र खतरे में है, संसद खतरे में है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है, तो प्रकाश आम्बेडकर जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसे विचारधारा को ताकत मिले। मोदी जी की सरकार डॉक्टर आम्बेडकर के विचारधारा को नहीं मानती। अंबेडकर जी की विचारधारा दलित, शोषित, पिछड़े, किसान, जवान, उनके हक के लिए लड़ने वाली उनकी विचारधारा थी। लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे। तो प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी के आखिरी कई बार नेता उन्होंने इस यू टर्न तरह मारा जैसे था सर, कह लास्ट रहे हैं कि कांग्रेस लास्ट बार पार्टी का भी, वजूद लास्ट खत्म बार हो भी, जाएगा, टुकड़ों लास्ट टुकड़ों में मायावती बटेंगे। जैसा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मायावती के ऊपर एक ठप्पा बैठा है कि ये बीजेपी को मदद करती है, दलित पिछड़ों को गुमराह करती है, ऐसा ठप्पा मायावती जी के ऊपर है। और मुझे विश्वास है अंबेडकर के जो वंशज है प्रकाश अंबेडकर जी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो पूरे दलित पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ एक ताकत खड़ी करके महाविकास आघाड़ी के साथ आएंगे और देश के तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दमन एंड दीव से मुझे लोकसभा मालूम नहीं, अगर प्रियंका जी चुनाव इस बार चुनाव लड़ती है देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र से, तो इंडिया गठबंधन को उनका उनका फायदा होगा। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी, ये तीन ऐसे नेता हैं कहाँ से भी चुनाव लड़े वो जीत जाएंगे और उसका फायदा हमारे गठबंधन को जरूर होगा। अगर प्रियंका जी दीव दमन से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका पार्टी का निर्णय है, अगर यूपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका पार्टी का निर्णय है, लेकिन चुनाव के मैदान में प्रियंका जी उतरेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन महाराष्ट्र में से किसी का नाम नहीं है वो लिस्ट में। कल उद्धव ठाकरे साहब ने उस बारे में बात की है कि कृपाशंकर का नाम आ सकता है, पवन सिंह का नाम आ सकता है, ये सब टेंटेड लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट नहीं आना, ये उनका अपमान है, महाराष्ट्र का भी अपमान है। वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, बहुत ही प्रामाणिक नेता है, तो हम सबको बुरा लगा कि नितिन जी का नाम नहीं है पहले लिस्ट में। क्या होगा मुझे मालूम नहीं, देख लेंगे।